गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स में एल्को लोकोमोटिव का वाटर कूलिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं, यानी पहले हम लोग एल्को लोको का वाटर कूलिंग सिस्टम देख चुके हैं, क्योंकि हमारा लोकोमोटिव जो है वो एक हीट इंजन है और इस हीट इंजन में फ्यूल बर्न होता है और जिसके द्वारा हम पावर पैदा करते हैं। तो फ्यूल की बर्निंग के दौरान हीट जनरेट होती है और इस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करने के लिए एक एफिशिएंट वाटर कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WCS वाटर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। तो वाटर कूलिंग सिस्टम में हमने देखा होगा कि जो हमारा रेडिएटर कोर है, इस रेडिएटर कोर से जो ठंडा हुआ पानी है वो ल्यूब ऑयल कूलर में गुजरता है और ल्यूब ऑयल कूलर से गुजरने के बाद ये ठंडा पानी वाटर पंप के इनलेट साइड पे आता है। वाटर पंप से ये आउटलेट हेडर में जाता है, यानी ये पानी अब प्रेशराइज हो गया और ये आउटलेट हेडर से पानी टर्बो चार्जर और आफ्टर कूलर में जाता है, जहाँ पर ये इसे ठंडा कर वापस लौट आता है। आजकल जो लोकोमोटिव है उसमें ये टर्बो चार्जर में वाटर द्वारा कूलिंग नहीं की जाती है। तो ये हमारा कूलिंग वाटर इंजन ब्लॉक में बनी हुई वाटर गैलरी में सर्कुलेट होता है और ये वाटर गैलरी में जाने के बाद हमारे लाइनर्स को ठंडा करता है। लाइनर संख्या में 16 होते हैं, 8 लेफ्ट साइड और 8 राइट साइड, और ये लाइनर हमारे वेट लाइनर्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कूलेंट लाइनर के आउटर सरफेस को टच करता है। लाइनर्स को ठंडा करने के बाद यह पानी सिलेंडर हेड्स में जाता है और सिलेंडर हेड्स से बाहर निकलने के बाद यह वाटर की आउटलेट मैनिफोल्ड में इकट्ठा होता है और ये आउटलेट मैनिफोल्ड संख्या में 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, और आउटलेट मैनिफोल्ड से ये पानी वापस हमारे रेडिएटर कोर तक पहुंचता है और यहाँ बीच में ही वाटर टैंक जो है वो कनेक्ट रहता है, जिस टैंक से हम इस सिस्टम में वाटर को एड ऑन करते हैं। तो ये जो हमारा ठंडा पानी है, यानी वाटर गैलरी तक आया हुआ ठंडा पानी, इन दो जगहों यानि लाइनर और सिलेंडर हेड से हीट को इकट्ठा कर लेता है और इसके बाद ये पानी गर्म हो जाता है और रेडिएटर कोर के इनलेट साइड पे पहुंचता है। तो इस प्रकार से वाटर कूलिंग सिस्टम लोकोमोटिव में वर्क करता है। यदि किसी कारण से हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम लोको में वर्किंग के दौरान फेल हो जाता है, अगर वर्किंग के दौरान ये हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम फेल हो गया तो
हमको काफ़ी लॉस होगा, तो यानी हमारे वाटर कूलिंग सिस्टम जो है उसमें क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण कि लोकोमोटिव हमारे वर्किंग के दौरान फेल होता है, तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे, यानी आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। इन एल्को लोकोमोटिव्स तो इसमें जो पहली चीज है वो है वाटर पंप के फेलियर्स, यानी फेलियर्स ऑफ वाटर पंप। तो हमारे लोकोमोटिव में लगा हुआ है वाटर पंप, किस प्रकार का होता है ये वाटर पंप? गियर ड्रिवन होता है, जिसको कि एक्सटेंशन शाफ्ट गियर से ड्राइव मिलती है, और यह पंप सेंट्रीफ्यूगल टाइप का पंप होता है। तो यह पंप किस प्रकार से होता है? इस पंप के एक सिरे पर यहाँ एक गियर होता है, ये हमारा वाटर पंप का ड्राइव गियर है, और यहाँ लॉक नट होता है। ड्राइव गियर एक शाफ्ट पर जुड़ा रहता है, और शाफ्ट के दूसरे सिरे पर हमारी इंपेलर बंधा रहता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। अब इस वाटर पंप में यहाँ पर एक सील डिस्क के आकार की लगी होती है, और दूसरे सिरे पे दूसरी सील लगी होती है। एक सील ल्यूब ऑयल के संपर्क में होती है तथा दूसरी सील वाटर के संपर्क में होती है, तथा इन्हें वाटर सील तथा ऑयल सील कहते हैं। तो जो इधर है ये ऑयल सील, और दूसरे साइड वाली वाटर सील है, और ये पूरा अरेंजमेंट एक केसिंग में बंद होता है। ये चीज इस प्रकार से एक केसिंग में बंद रहती है। तो हमारे वाटर पंप की केसिंग हो गई, यहाँ से वाटर इनलेट होता है, यानी इस साइड ओपनिंग दी होगी, और यहाँ से आउटलेट फ्लैंज में पानी आउट होता है। तो अब इस वाटर पंप में फेलियर के क्या कारण हैं? तो वाटर पंप में वाटर कूलिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए वाटर पंप को मॉडिफाई किया गया, और इस मॉडिफिकेशन के द्वारा वाटर पंप के प्रेशर को बढ़ाया गया। वाटर पंप के प्रेशर बढ़ाने में इस गियर यानी ड्राइव गियर को चेंज किया गया, तो ड्राइव गियर की संख्या बढ़ गई। तो वाटर पंप के फेलियर के प्रमुख कारण होते हैं ड्राइव गियर के टीथ का ब्रेक हो जाना, ड्राइव गियर के टीथ का ब्रेकेज, यह मटेरियल फेलियर या पुअर वर्कमैनशिप के कारण हो सकता है। इसी प्रकार से फेलियर ऑफ ऑयल या वाटर सील, इन सीलों का फेलियर हो जाना, और शाफ्ट यानी जो वाटर पंप की ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट का फेल हो जाना,
और वाटर पंप की जो हाउसिंग या केसिंग है, इस केसिंग का ही क्रैक हो जाना। तो वाटर पंप में ये प्रमुख वजह हैं जिसके कारण वाटर पंप फेल होता है। इस वाटर पंप में यहाँ नीचे की तरफ एक होल होता है जिसे टेल टेल होल कहते हैं। टेल टेल होल क्या होता है? टेल टेल होल वो है जो वाटर पंप के फेलियर से पहले ही इंडिकेशन देता है, अर्ली इंडिकेशन ऑफ फेलियर। तो वाटर पंप का टेल टेल होल से अगर ऑयल या वाटर की बूंद आती है तो वो हमारे फेलियर को दिखाता है, यानी नो ड्रॉप शुड कम आउट फ्रॉम टेल टेल होल। ऑफ वाटर पंप इसके लिए जब हमारा लोकोमोटिव सेट में एग्जामिनेशन के लिए आया है, सेट एग्जामिनेशन के लिए आया है, तो इसको हम रेज करेंगे यानी इसका आरपीएम बढ़ा देंगे। आरपीएम बढ़ने के बाद टॉर्च की रोशनी में टेल टेल होल को देखेंगे और टॉर्च की रोशनी में देखने पर इसमें किसी प्रकार का ऑयल या वाटर की ड्रॉप नहीं आनी चाहिए। तो ये थी वो प्रमुख वजहें जिसके कारण से वाटर पंप फेल हो जाते हैं। और वाटर पंप फेल होने की स्थिति में लोकोमोटिव लाइन पर फेल हो जाता है। अब इस वाटर पंप में जो सेकेंड टाइप का फेलियर है वो है फेलियर ऑफ जॉइंट्स। यानी वाटर पंप्स, वाटर सिस्टम के जॉइंट का फेलियर। वाटर पंप्स यानी वाटर सिस्टम जल्दी इस प्रकार से जॉइंट का एक सिरा और ये दूसरा सिरा इस प्रकार से होता है। इस जॉइंट को बनाने के लिए यहाँ पर रबर की रिंग लगी होती है, तो यहाँ पर एक रबर की ओ रिंग इस एंड पर और इसी प्रकार से रबर की दूसरी रिंग दूसरे एंड पर लगाई जाती है और ये पूरा अरेंजमेंट एक स्लीव या कॉलर द्वारा बंद किया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम एक कॉलर या स्लीव में बंद रहता है। इस प्रकार से ये जॉइंट यहाँ पर बना होता है। तो इस एंड को बंद करने के लिए इस डायरेक्शन में या तो बोल्ट द्वारा फिट होते हैं या इसके ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से क्लैंप लगा होता है। इस प्रकार से इसमें क्लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जॉइंट्स, वाटर सिस्टम के जॉइंट अक्सर फेल जाते हैं, इसे हम आर्मर्ड जॉइंट या विक्टोलिक जॉइंट या वाटर पंप फ्लेक्सिबल जॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। इन सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जो कि उनके डिज़ाइन पर निर्भर करता है।
तो इस प्रकार के ज्वाइंट के फेलियर की वजह होती है इस ज्वाइंट को बनाते समय अगर सावधानी नहीं रखी गई है। जो ये हमारी पाइप के बीच गैप है यानी कि ज्वाइंट फैब्रिकेशन, जिस समय ज्वाइंट बनाया जा रहा है ज्वाइंट फैब्रिकेशन के टाइम पर जो गैप बिटवीन ज्वाइनिंग इंड्स, जोड़े जाने वाले सिरों के बीच पर्याप्त गैप होना चाहिए। उसी प्रकार से जो ये रबर की रिंग है ये कभी कभी इस प्रकार से ट्विस्टेड कंडीशन में लगा दी जाती है। अगर ये रबर की रिंग इस प्रकार से ट्विस्ट हो गई तो ये ट्विस्टेड रिंग बाद में फेलियर का कारण बन सकती है, यानी कि कंडीशन ऑफ रबर गैस्केट या ओ रिंग या रबर गैस्केट की कंडीशन और इसकी लाइफ यानी इसकी अब कितनी लाइफ बची हुई है, रेसिडुअल लाइफ, और यहाँ पर सरफेस प्रिपरेशन। जब ये ज्वाइंट बनाया जाता है तो सरफेस प्रॉपरली स्मूथ किया जाना चाहिए। अगर सरफेस प्रिपरेशन सही प्रकार से नहीं किया गया है तो ये ज्वाइंट्स बाद में फेल हो जाते हैं और इन पाइप्स का अलाइनमेंट, जो दोनों पाइप आपस में जोड़ी जा रही है इनका अलाइनमेंट, और नेक्स्ट आइटम जो है वो है प्रॉपर क्लैंपिंग। रेलवे में वाटर कूलिंग सिस्टम और ल्यूब ऑयल सिस्टम के लिए एक क्लैंपिंग डायग्राम होता है। इस क्लैंपिंग डायग्राम में सभी प्रकार के क्लैंप्स का साइज तथा लोकेशन दिया रहता है। तो हमारे वाटर सिस्टम में जितने भी ज्वाइंट हैं उनमें सही प्रकार से गैप होना चाहिए, उसमें लगाई गई ओ रिंग की कंडीशन और उनकी रेसिडुअल लाइफ होनी चाहिए, सरफेस को सही से रेडी किया होना चाहिए, इन पाइप के बीच अलाइनमेंट और इन जॉइंट्स के सिरों पर प्रॉपर क्लैंपिंग होना, ये प्रमुख वजहें हैं जिसके कारण से वाटर सिस्टम के ये जॉइंट्स जो है फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है वो है रेडिएटर कोर का फेलियर। रेडिएटर कोर की ट्यूब्स पंचर हो जाना या रेडिएटर कोर से जुड़े हुए डिफेक्ट्स, तो जैसा कि हमने गाड़ियों में देखा है रेडिएटर कोर, उसी प्रकार से लोकोमोटिव का भी रेडिएटर कोर होता है जिसमें यहाँ पर ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर से वाटर सर्कुलेट होता है और इन ट्यूब के सिरे यहाँ पर दिखते हैं। तो ये ट्यूब के इस तरफ ये सिरे होते हैं और ये ट्यूब आपस में यहाँ पर इस तरफ फिन्स द्वारा जुड़ी रहती है, यानी यहाँ इस जगह पर यहाँ पर फिन्स होती है। ये फिन्स महीन ब्लेड के रूप में होती हैं। ये वास्तव में ये वो हिस्सा है जो कि कूलिंग करता है, यानी ये जो फिन्स है यही कूलिंग के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है, कूलिंग फिन्स। तो यदि किसी कारण से ये कूलिंग फिन्स हैंडलिंग के दौरान डैमेज हो गई, हैंडलिंग के दौरान अगर ये कूलिंग फिन्स डैमेज हो गई
तो अब ये फिन्स जो हमारे हीट को रेडिएट कर रही थी अब वो रेडिएट कम करेगी, यानी इसकी रेडिएशन की मात्रा कम हो जाएगी। तो जब ये फिन्स डैमेज हो गई तो हीट रेडिएट होने का रफ्तार कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन ट्यूबों में थर्मल क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब ये फिन्स डैमेज होती हैं तो हमारे रेडिएटर कोर के ट्यूब्स जो है वो पंचर हो जाते हैं, और सामान्यतः इस रेडिएटर कोर में जब ट्यूब ये पंचर हो गई, मान लीजिए ये ट्यूब यहाँ पंचर हो गई, तो यहाँ से वाटर लीकेज शुरू हो जाएगा। तो इस ट्यूब के इस सिरे को यहाँ पर डमी कर दिया जाता है, जिससे कि अब ये ट्यूब वर्क में नहीं आएगी, यानी ट्यूब पंचर होने की स्थिति में इसे डमी कर देता है। और डमी करी गई ट्यूबों की संख्या 7 हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ट्यूबों को डमी नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि हम जानते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम में कूलेंट वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो यदि ये कूलेंट वाटर में कूलेंट की कंसंट्रेशन कम है, कूलेंट कंसंट्रेशन अगर कम है, तो इस कारण से इस रेडिएटर कोर की ट्यूब्स के अंदर स्केल फॉर्मेशन हो जाता है, और इस स्केल फॉर्मेशन के कारण हीट ट्रांसफर पुअर हो जाता है, हीट ट्रांसफर रिड्यूस हो जाता है। तो जब हीट ट्रांसफर रिड्यूस हो जाता है तो हमारे ट्यूब्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। स्केल फॉर्मेशन से बचने के लिए हर साल गर्मी यानी प्री समर, समर से पहले सीजन में हम वाटर कूलिंग सिस्टम का TSP ट्रीटमेंट करते हैं। TSP ट्रीटमेंट अर्थात ट्राई सोडियम फॉस्फेट तो इस ट्राई सोडियम फॉस्फेट को हम वाटर कूलिंग सिस्टम में ऐड कर देते हैं, और ये वाटर कूलिंग सिस्टम में ऐड करने के बाद ये पूरे सिस्टम में सर्कुलेट हो जाता है। सर्कुलेट हो जाने के बाद हम इस पानी को ड्रेन कर देते हैं। इस प्रकार से अंदर जमी हुई सारी स्केल्स क्लीन कर दी जाती है और हमारा हीट ट्रांसफ़र का रेट वापस से इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट्स है वो रेडिएटर फैन से रिलेटेड डिफेक्ट्स है, यानी डिफेक्ट्स ऑफ रेडिएटर फैन। तो रेडिएटर फैन इस प्रकार से लगा होता है, रेडिएटर फैन यहाँ पर ये फैन है, ये इस तरह से फैन हमारा रेडिएटर रूम में लगा रहता है। इस रेडिएटर फैन के नीचे यहाँ पर एक कपलिंग लगी होती है जो कि हमारी यूनिवर्सल कपलिंग कहलाती है। यूनिवर्सल कपलिंग यानी ये हमारी इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन के जर्क को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस यूनिवर्सल कपलिंग का दूसरा सिरा राइट एंगल गियर बॉक्स पे जुड़ा रहता है, यानी ये जो बॉक्स है वो राइट एंगल गियर बॉक्स होता है, यानी हमारी इस डायरेक्शन की रोटेशन को इस डायरेक्शन
रोटेशन में बदल देता है। तो ये हमारा राइट एंगल गियर बॉक्स। और इस राइट एंगल गियर बॉक्स को ड्राइव जिस यूनिट से मिलती है वो कहलाता है एडी करंट क्लच। एडी करंट क्लच क्लच जैसे कि हम जानते हैं मैकेनिकल क्लच जो इंगेज और डिसइंगेज करता है दो यूनिट को, वो यूनिट क्लच कहलाता है। तो इस रेडिएटर फैन के ऑन होने की क्या दशा होती है, यानी ये रेडिएटर फैन कब स्टार्ट होता है? जब ये एडी करंट क्लच ऑन होता है, यानी जब इसमें करंट जाती है उस दशा में ये पंखा घूमता है। तो रेडिएटर फैन की एक डिफेक्ट होता है लेस आरपीएम, यानी रेडिएटर फैन के आरपीएम पूरे नहीं आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमको ईसीसी के करंट को चेक करना चाहिए। यदि किसी कारण से ईसीसी में स्लिप आ गई, यानी एडी करंट क्लच में स्लिप आ गई, तो स्लिप होने के कारण यहाँ से पूरी पावर फैन को ट्रांसमिट नहीं होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो यूनिवर्सल कपलिंग लगी होती है, इस कपलिंग को मंथली शेड्यूल में एग्जामिन किया जाता है, क्योंकि ये कपलिंग हमारी पूरी पावर को फैन तक ट्रांसमिट करती है। यूनिवर्सल कपलिंग के अंदर स्प्लाइन शाफ्ट लगी होती है, कभी कभी जर्क के कारण यह शाफ्ट ब्रेक कर जाती है। तो इस यूनिवर्सल कपलिंग को मंथली शेड्यूल में ग्रीसिंग और एग्जामिनेशन करना होता है। इसी प्रकार से रेडिएटर फैन के फाउंडेशन बोल्ट्स की टॉर्किंग, क्योंकि यह फैन ऑन तथा ऑफ होता रहता है, इसलिए इसके फाउंडेशन बोल्ट्स बार बार जर्क बर्दाश्त करते हैं। तो इनके फाउंडेशन बोल्ट्स, यानी यहाँ पर तो ये सारे फाउंडेशन बोल्ट्स की टॉर्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ये बोल्ट्स लूज हो जाते हैं तो ये फैन की ब्लेड्स डैमेज हो जाती हैं और ब्रेक कर जाती हैं। तो ये रेडिएटर फैन से जुड़े हुए प्रॉब्लम थे, और रेडिएटर फैन अच्छा काम करे इसके लिए रेडिएटर कंपार्टमेंट एयर टाइट होना चाहिए, यानी रेडिएटर फैन के चलने की दशा में हवा रेडिएटर कोर से होकर ही गुजरनी चाहिए। यदि रेडिएटर कंपार्टमेंट एयर टाइट नहीं होगा तो हमारी कूलिंग एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। यदि हमारा रेडिएटर कंपार्टमेंट एयर टाइट नहीं है। तो ये एक प्रमुख दोष था। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है वाटर टैंक की प्रेशर कैप का डिफेक्टिव होना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लोकोमोटिव में लगा हुआ वाटर कूलिंग सिस्टम क्लोज्ड या प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग सिस्टम होता है। यह वाटर कूलिंग सिस्टम 7 PSI पे प्रेशर पे कार्य करता है, जिससे कि हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं, और हमारा लोकोमोटिव के अंदर पानी 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो इस तरह से प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग सिस्टम बना देने से लेस स्टीम फॉर्मेशन होता है। तो जब
कम स्टीम का फॉर्मेशन होता है तो वाटर लॉस जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस वाटर कूलिंग सिस्टम को प्रेशराइज बनाए रखने के लिए वाटर टैंक के ऊपर प्रेशराइजेशन कैप दिया गया होता है। ये प्रेशराइजेशन कैप हमारे सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन रखता है। यदि किसी कारण से यह प्रेशर कैप डिफेक्टिव हो गया, यह प्रेशर कैप कैसा होता है, ये स्प्रिंग लोडेड कैप होता है, ये स्प्रिंग लोडेड होता है और ये हमारे वाटर सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन करता है। तो वाटर प्रेशर कैप अगर लूज फिटेड है, या तो ये लूज फिटेड होगा या ये डिफेक्टिव होगा, तो इस कारण से हमारे सिस्टम में ये प्रेशर मेंटेन नहीं होगा और वाटर लेवल ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए वाटर टैंक के प्रेशर कैप को ड्राइव के आधार पर, ड्राइव बेसिस यानी ड्राइव चला करके सभी लोगों में चेंज कर दिया जाता है, चेंज इन ऑल लोगों, क्योंकि यह कम वैल्यू का आइटम है और इसके फेल होने से लोकोमोटिव ट्रैक पर फेल हो जाता है। इसलिए प्रिकॉशन के रूप में हम वाटर टैंक की प्रेशर कैप को सभी लोगों में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा वाटर कूलिंग सिस्टम में क्या क्या फेलियर होते हैं, वाटर पंप का डिफेक्ट्स यानी वाटर पंप की गियर सील इत्यादि का फेलियर, वाटर सिस्टम के जॉइंट्स का फेलियर, और हमने देखा रेडिएटर कोर का फेलियर, रेडिएटर फैन के डिफेक्ट्स, रेडिएटर फैन से रिलेटेड डिफेक्ट्स, और वाटर टैंक की प्रेशर कैप का रोल। तो ये वो सारी वजह हैं जिनके कारण से हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और लोकोमोटिव लाइन पर डिफेक्ट होता है। तो इन सारे सिस्टमों को प्रॉपर अटेंशन दे करके हम लोकोमोटिव के फेलियर को रोक सकते हैं। थैंक यू।